फ्रेंड्स देखिए ये छुई मुई का पौधा है। इसमें देखिए आज पहला फूल खिला हुआ है हमारी गार्डन में, और इसके पत्ते देखिए जैसे हम छूते हैं तो ऐसे बंद हो जाते हैं, तो इसको लाजवंती भी कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत इसके फूल लग रहे हैं फ्रेंड्स। अभी इसमें लगातार ही फूल आएगा, देखिए बहुत सारे कली हैं। आपको कैसा लगा कॉमेंट में बताना। फ्रेंड्स मैं बबली आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी बगिया में। आज मैं जेट प्लांट के ऊपर बात करूँगी फ्रेंड्स, और एक बेकार से थर्मोकोल में मैं जेट प्लांट लगा रही हूँ वही आज के वीडियो में दिखाऊंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आएगा फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को फ्रेंड्स से सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका मैसेज आप सब तक जाएगा। अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं पे भी देख रहे हो तो वहाँ भी मुझे फॉलो करना। आज बहुत तेज़ धूप है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, बहुत तेज़ धूप है। यहाँ पे देखिए पोरचुल का कितने सारे खिले हुए हैं, अभी ये अच्छे से इसमें सेट नहीं हुआ है फ्रेंड्स, इसीलिए ब्राउन सब ऐसे झुके हुए हैं। तो ये देखिए बेकार थर्मोकोल रखा हुआ था काफ़ी दिनों से, तो मैं इसको तोड़ तोड़ के फ्रेंड्स से गमले के नीचे रख देती हूँ, जिससे कि पानी निकलने में अच्छा होता है। पर मैं इसमें सोची जेट प्लांट लगा देती हूँ। इसको देखिए 6-7 इंच की गहराई है और बीच में बहुत ही खूबसूरत लगेगा फ्रेंड्स। तो देखिए मैं इसमें नीचे जो अब कुछ दिन पहले पोरचुल का सब कट की थी तो उस सबको कट किया हुआ पोरचुल का डाल दी हूँ, और ऊपर से थोड़ा सा मिट्टी डाल दी हूँ। तो देखिए हमारा 2 जेट प्लांट है जो बहुत ही अच्छे से अभी चल रहे थे, तो इसको मैं निकाल के इसमें लगा रही थी तभी। अब देखिए इसमें नीचे एक कपड़ा वाला जो बैग आता है उसको मैं रखती हूँ पानी निकलने के लिए, क्योंकि नीचे के कुछ नहीं है फ्रेंड्स, तो इसीलिए मैं ये झोला रख दी हूँ, जिससे कि कभी अगर उठाना भी होगा तो नीचे से हम हाथ रख के इसको उठा लेंगे, नीचे बिल्कुल खाली है। तो फ्रेंड्स जेट प्लांट बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, और ये किसी तरह के मिट्टी में चल जाता है फ्रेंड्स, पर पानी इसमें नहीं रुकना चाहिए क्योंकि इसके पत्ते में बहुत ज़्यादा पानी होता है। अगर हम थोड़ा सा भी पानी दे देते हैं ज़्यादा तो ये पौधा ख़राब हो जाता है। तो देखिए मैं इसमें 2 पौधा अभी लगा रही हूँ, और इसमें बहुत सारा कटिंग लगा दूँगी जिससे कि ये भर जाएगा, और ये जब भर जाएगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसमें मैं टावर बनाने की कोशिश करूँगी फ्रेंड्स आगे। तो देखिए मैं इसमें थोड़ा सा और मिट्टी डाल लेती हूँ, एक लकड़ी ली हूँ जो मैं बीच में इसको डालूँगी, क्योंकि हम टावर बनाएंगे फ्रेंड्स तो फिर ऊपर की तरफ तो ये कैसे जाएगा हम अगर कोई लकड़ी नहीं देंगे तो इसीलिए मैं देखिए इस ये पहले से ही किसी पौधे में दिया हुआ था फ्रेंड्स, तो इसमें प्लास्टिक बांध देती हूँ थैला, जिससे कि ये ख़राब नहीं हो। तो देखिए मैं फ्रेंड्स हाथ में मिट्टी लग जाती है क्योंकि अभी मिट्टी गीले है, तो मैं बीच में लगाते हुए नहीं दिखा पाई। तो देखिए दोनों जो बड़ा पौधा था उसे मैं लगा दी हूँ, और कुछ ब्रांच इसमें से जो कट की थी उस सबको मैं यहाँ पे लगा दी हूँ। आज मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई है फ्रेंड्स, बहुत तेज़ धूप है, अभी काम करने का मन नहीं कर रहा है, और इसमें बहुत सारा कटिंग लगाना है अभी, क्योंकि फ्रेंड्स ये सब काम शाम के टाइम में अच्छा रहता है, पर मुझे उस टाइम में मिट्टी का काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, करने में अच्छा नहीं लगता मिट्टी का काम। तो इसमें से देखिए मैं नीचे से देखती हूँ, इस समय से थोड़ा सा कटिंग लूँगी और इसके चारों तरफ मैं लगाऊँगी, जिससे कि जल्दी से ये भर जाएगा, और जल्दी से भरेगा तभी खूबसूरत लगेगा। और इसमें देखिए नीचे की तरफ मैं इसको कट नहीं करूँगी, ऊपर के साइड से इसको कट करके इसको भी थोड़ा अच्छे से बांध दूँगी, जैसे कि ये भी देखने में अच्छा लगेगा, और बारिश के टाइम में बहुत ही अच्छे से ये ग्रोथ हो जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो देखिए जो 2 घना था उसको मैं आगे के साइड दी हूँ, जिससे कि देखने में अच्छा लगेगा, और पीछे थोड़ा खाली भी रहेगा तो धीरे धीरे समय के साथ वो भर जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए मैं कटिंग सब ले लेती हूँ फिर इसमें लगाऊँगी, बहुत सारा कटिंग लगाना पड़ेगा। और जेट प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है, इसको आप छोटे से छोटे पॉट में भी कप में भी लगा सकते हो, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। मैं फ़िलहाल बहुत सारे कटिंग जेट प्लांट की लगाई हूँ, और फ्रेंड्स मैं उस दिन काम नहीं कर पाई, मैं अब 2 दिन बाद का दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत गर्मी लग गई थी मुझे तो मैं उस दिन छोड़ दी, फिर मैं अगले दिन भी काम नहीं कर पाई थी, इसलिए 2 दिन बाद फिर मैं इस पर काम की हूँ। तो अभी आई हूँ तो मैं थोड़ा सा इसका कटिंग
कट कर रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारा कटिंग लगाना है। और फ्रेंड्स से कुछ पौधे हैं जो बहुत सारे इधर उधर ब्रांच आ गए हैं तो उस सब को भी कट करना है। इसमें भी देखिए ऊपर के साइड काफ़ी बड़े हो गए हैं तो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो हमें बीच बीच में इसको कट करते रहना चाहिए जिससे कि अच्छा लगेगा। और कट करने से फ्रेंड्स पौधा घना भी होता है। देखिए इसमें से मैं उतना सारा कटिंग ली हूँ और कुछ ही दिनों में फ्रेंड्स ये फिर से ग्रोथ पे आ जाएगा। और फ्रेंड्स इस पौधे को ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी नहीं चाहिए, बिल्कुल कम फर्टिलाइज़र में बहुत अच्छे से चलते रहते हैं, पर हमें तेज़ धूप में रखना है इस पौधे को। तो देखिए मैं बहुत सारा कटिंग ली हूँ, इसके चारों तरफ मैं इसको लगाऊंगी। तो पहले पानी दे देती हूँ क्योंकि ऊपर का थोड़ा सा मिट्टी ड्राई हो गया है, क्योंकि मैं जब से लगाई हूँ तो इस पौधे में पानी नहीं दी हूँ, तो ये थोड़ा दबाने में नहीं हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा पानी दे देती हूँ, फिर इस कटिंग को चारों तरफ मैं लगाती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आज भी बहुत तेज़ धूप है। अभी बारिश जब से बंद हुई उसके बाद धूप बहुत तेज़ होने लगी है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है फ्रेंड्स। बारिश होते हैं तब भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगते हैं, अभी तो बारिश भी नहीं हो रही है, तो मैं इसमें पानी दे के जल्दी जल्दी से कटिंग सब लगा लेती हूँ और इधर उधर भी कटिंग सब लगा दूँगी, क्योंकि कटिंग बहुत सारे मैं काट ली हूँ उसमें से, क्योंकि देखिए अब मैं सारे को लगा ली। इस वाले मोड़ को भी बांध दी हूँ और इसको भी बांध दी हूँ जो मैं पेड़ का रूप दे रही हूँ। तो फिलहाल मेरे पास तार नहीं था फ्रेंड्स, तो मैं धागे से ही इसको टाइट से बांध दी हूँ। एक लकड़ी तो पहले से ही दिया हुआ था और मोर को भी देखिए यहाँ पे दूसरा लकड़ी दे दी हूँ। अब इसे ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी और आगे की तरफ झुकाऊँगी इसको। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे कटिंग लगा दी हूँ, उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में ये ग्रोथ स्टार्ट कर देगा और जल्दी से भर जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स अभी के टाइम में बहुत अच्छे से ग्रोथ होते हैं। अगर इसमें पानी नहीं रुकता है तो कोई भी नुकसान नहीं होता है फ्रेंड्स। इसमें एक पॉट में अगर पानी रुक जाते हैं तो पौधा ख़राब हो जाता है, नहीं तो बारिश के टाइम में बहुत अच्छे से चलते रहते हैं और काफ़ी घना हो जाता है। तो हम बहुत सारे कटिंग लगा सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं कोई फर्टिलाइज़र नहीं दे रही हूँ, अगर देना भी होगा तो फिर से एक दो दिन बाद दो चार दाने DAP के दे दूँगी। DAP से बहुत जल्दी रूट बनते हैं और DAP से हरा भरा बहुत जल्दी हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कॉमेंट में बताना, और हमारे गार्डन का ये नया फूल कैसा लगा ये भी बताना। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और मैं आती हूँ ऊपर, बच्चे भी आते हैं तो ऐसे ही पत्ते को छूते रहते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए जैसे हम छूते हैं तो ये बंद हो जाते हैं, इसीलिए लाजवंती भी इसे कहा जाता है, कई नामों से इसे जाना जाता है फ्रेंड्स। इसका कटिंग भी लग जाता है और इसमें बहुत सारे कलर के फूल आते हैं। हमारे पास जो आया है ये इस कलर का है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, अभी इसमें लगातार फूल रहेगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।